हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव दोपहर की दब पर स्वागत करता है, जहां पर आज हम करने वाले हैं T20 मतलब यहां पर हम करेंगे मॉक टेस्ट 20। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट 19 तक लगा लिया, बहुत अच्छे तरह से लगाया, सभी ने वहां पर अच्छी एक फाइट मारी है। और आज हम जो करने वाले हैं ICAR के लिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, मॉक टेस्ट 20। तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए। यस कैप्टन मॉर्गन, गुड आफ्टरनून। बलविंदर, ओके, सत श्री अकाल। विकास, सब बढ़िया है विकास, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्रतीक्षा, दृष्टि, अनामिका, सभी को गुड आफ्टरनून। अब गाइज हम बढ़ेंगे क्या नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पर हमारा है क्या मोटिवेशनल क्लोज, ठीक है, मोटिवेशनल कोट की तरफ बढ़ते हैं। यस जितेंद्र, गुड आफ्टरनून। अनामिका, यस सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कादरी, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप सब लोग बिल्कुल, आप बताइए कैसे हैं। मचाना है आज दोस्तों, मचाना है, ठीक है। चलिए मोटिवेशनल कोट की तरफ बढ़ते हैं। मोटिवेशनल कोट ये रहा, मोटिवेशनल कोट है, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। मतलब अगर आप ये सोचो कि कल एग्जाम है और आप तैयारी करो, मतलब यहां पर क्या करो, लर्न करो, तो तुरंत पार हो जाएगा, ये ऐसा बिल्कुल चमत्कार नहीं होता मेरे दोस्त। ये स्टेयर है, मतलब अभी आपने क्या किया है, एनालिसिस किया है एग्जाम के, ठीक है, फिर आपने क्या किया, प्रैक्टिस किया, फिर मॉक लगाया, फिर फाइनल डे जो आपका आएगा, मतलब एग्जाम डेट आएगा, उस दिन पे जो आप कर रहे होगे तो सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ये एक दिन में नहीं होता मेरे दोस्त, ये पूरी एक सीरीज होती है, ठीक है। हाँ, सबको गुड आफ्टरनून। चलिए शुभ्रा भी आ गए हैं, चलिए अब आगे बढ़ेंगे यहां पर, और परिश्रम तो करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो मूल मंत्र है, क्या है मूल मंत्र, झुकूंगा नहीं, मतलब हार नहीं मानूंगा, प्रैक्टिस करूंगा और सिलेक्शन लेकर रहूंगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मैं आपको कुछ रियल हीरो से मिलवाना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया था पुराने, मतलब पिछले वीडियो में, और यहां पर बहुत अच्छे से आंसर दिया था। यहां पर आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, शायद उतना क्लियर ना दिख रहा हो, तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि प्रतीक्षा जो है बहुत अच्छे से रिप्लाई किया इन्होंने, जो कि होमवर्क था यहां पर, 9 कोस्ट हमें कोस्ट लाइन स्टेट्स बताने थे, उन्होंने मेंशन कर रखे हैं। फिर एक क्वेश्चन था, सिंधी लैंग्वेज कब ऐड की गई, कौन से अमेंडमेंट से। थर्ड क्वेश्चन था, INC सुभाष चंद्र बोस ने कब प्रिसाइड किया, और लास्ट क्वेश्चन था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। और उसके बाद यहां पर माय एम ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया है, कुछ लोगों के यहां पर नाम है, शुभ्रा, कुनिका राणा, रिंपा दास, श्रुति सिंह और दृष्टि, बहुत अच्छे अच्छे से आंसर लिखा है। और भी लोगों ने लिखा, पर स्क्रीनशॉट शायद मैं यहां पर लगा नहीं पाया, क्योंकि लगा देता तो शायद बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से सभी लोगों ने रिप्लाई किया है दोस्त, इसी तरह से करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना है, ठीक है। चलिए, तो आर यू गाइज रेडी फॉर द वॉर, देखते हैं आज जंग कैसी होती है, सांप डसता है या फिर मेरे योद्धा करते हैं क्या छल्ली छल्ली, ठीक है। हाँ अनुज, यहाँ पे आपको नमस्ते। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप बिटवीन टू मेन सीजनल क्रॉप्स इज टर्म्ड एज, दो मुख्य मौसमी फसलों के बीच एक छोटी अवधि की फसलों की निम्नलिखित में से रूप में जाना जाता है, कैश क्रॉप, इंटर क्रॉप, कंपेनियन क्रॉप और कैच क्रॉप। देखिए एग्जाम में क्रॉप और एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, उसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, चाहे फिर वो सॉइल हो, क्लाइमेट हो, वेदर हो, ये करके ही जाना है, ठीक है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं सर डी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कैच क्रॉप बोल रहे हैं, कुछ लोग इंटर क्रॉप बोल रहे हैं, तो दोस्त यहाँ पर बिल्कुल कैच क्रॉप, प्रतीक्षा बोल रहे हैं सर आग लगा दो, डी ऑप्शन। सौरभ, स्ट्रगलर बोल रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, स्ट्रगलर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, राखी बिल्कुल सही है आप, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या होगा, कैच क्रॉप। देखिए कैच क्रॉप मतलब अंतर्वर्ती फसल, हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी आंसर पता चल जाएगा, जो दो फसलों के अंतर में हो, मतलब एक फसल अगर लग रही है जून में और एक लग रही है अगस्त में, तो हम क्या कर रहे हैं, जुलाई मंथ के लिए उसको लगा लिया, तो उसको क्या कहेंगे, कैच क्रॉप।
कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसको हम नगदी के लिए लगाते हैं, मतलब अपने प्रॉफिट के लिए फसल को लगाते हैं, उसको हम कहते हैं कैश क्रॉप। इंटर क्रॉप मतलब होता है मिक्स्ड क्रॉप। कई बार आपने देखा होगा कि गेहूं की खेती के साथ साथ मस्टर्ड भी लगा दिया जाता है, मतलब सरसों भी लगा दिया जाता है, उसको हम कहते हैं इंटर क्रॉप। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज खरीफ क्रॉप इन द नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन द साउथ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में रबी फसल है? लिंसिड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट और सीसमम, तिल। बताइए, देखते हैं किसका सही होता है। ये सौरभ ने कहा ऐसा डी होना चाहिए। ओके, हाँ बहुत बढ़िया। यहां पे अभी कह रहे हैं डी ऑप्शन, कुछ लोग कह रहे हैं सर बी होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर मस्टर्ड होना चाहिए, पर यहां पर करेक्ट आंसर जो है, यहां पे बिल्कुल दृष्टि आप बिल्कुल करेक्ट हैं, साक्षी आप बिल्कुल करेक्ट हैं, सौरभ आप करेक्ट हैं और बाहुबली बिल्कुल आप करेक्ट है। यहाँ पे यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शीशमम। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि नॉर्थ के साइड में वो रबी क्रॉप है, मतलब नॉर्थ के साइड में क्या होता है, हम इसको समर में क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तभी इसे क्या कहा गया है, रबी क्रॉप। लेकिन साउथ में सॉरी खरीफ क्रॉप कहा गया तो मतलब विंटर में होगा, ठीक है, हार्वेस्ट, और अगर रबी कहा गया है तो समर में होगा। तो ये चीज याद रखेंगे, शीशमम एक ऐसी फसल है जिसको नॉर्थ में क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप, और साउथ में कहते हैं रबी क्रॉप। ठीक है, हाँ तिल, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, द क्रॉप सोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन आर कॉल्ड डैश क्रॉप्स। दोस्तों बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, छल्ली छल्ली कर दो इसको। ठीक है, कहां पे करेंगे छल्ली छल्ली, सीधा हार्ट पे। ठीक है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जेड क्रॉप और नन ऑफ द अबव। सब कह रहे हैं सर रबी क्रॉप होना चाहिए क्योंकि हम लगा रहे हैं इसको विंटर में और काटेंगे अगर वहां पे तो रबी क्रॉप ही होगा। तो ठीक है भैया, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्यों, हमने पढ़ा था सर कि यहाँ पे 3 फसल होती है, रबी, खरीफ और जेड। क्या होती है, रबी, खरीफ और जेड। देखिए रबी को लगाया कब जाता है, विंटर में, है ना, और हार्वेस्ट कब किया जाता है, समर में। तो ये बात क्या कर रहा है, विंटर में लगाने की बात कर रहा है, सोन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रबी होगा। खरीफ को कब लगाया जाता है, समर में, सॉरी रेनी में लगाया जाता है, और काटा कब जाता है, विंटर में, ये भी याद रखेंगे। जेड को समर में लगाया जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटरमेलन। क्या है, वाटरमेलन और कुकुम्बर, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया सत्यम, बहुत बढ़िया प्रसन्नजीत, एम बिल्कुल, प्रतीक्षा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, राखी वेरी गुड, शुभ्रा वेरी गुड। चलिए एक बार फटाफट से सभी लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे जिससे ज्यादा यहाँ पर योद्धा जुड़ सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, यस गुड आफ्टरनून दीक्षा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट एन ऑयल क्रॉप। इनमें से कौन सी फसल तिलहनी फसल नहीं है, मस्टर्ड, सीसम, पीनट और मिलेट, मतलब किससे ऑयल नहीं बनाया जा सकता। एम ने कहा सर डी ऑप्शन, शिवा, अरे बाप रे वाह, ओए होए 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 होए, भाई कोई तो गलत दे दो। हाँ किसी ने तो शायद गलत दिया है, अच्छा सभी ने ऑप्शन नंबर 4 कहा है। ओके ओके, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमें पता भैया मस्टर्ड से भी क्या बनता है, ऑयल बनता है, तिल से भी बनता है और मूंगफली से भी बनता है, सिर्फ बाजरा से नहीं बनता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा मिलेट। क्या होगा, मिलेट, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अंजलि, दीपिका, सलोनी, प्रशांत, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सत्यम आप गलत दे रहे हो, आपको पार्टी देनी पड़ेगी भाई, जो भी गलत देगा ना उनको पार्टी देनी पड़ेगी। यहां पर अभी हम 165 लोग हैं, 165 लोग को पार्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ मधु हेलो। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, वेयर इज द सोयाबीन रिसर्च सेंटर लोकेटेड। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, उज्जैन, इंदौर, सागर और भोपाल। भाई सबको पता है कि एमपी जो है वो सबसे ज्यादा सोया क्या करता है, उत्पाद करता है, इसको कहा जाता है सोया स्टेट। क्या कहा जाता है, सोया स्टेट। लेकिन यहां पर तो सारे एमपी के ही ऑप्शन दे दिए, उज्जैन, इंदौर, सागर, भोपाल, बताइए करेक्ट क्या है। लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 2 होगा, कैप्टन मॉर्गन ने कहा है, कुमकुम ने कहा है, पूर्णिमा, अफसाना, एम, किशन, बहुत बढ़िया। चलिए
यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। क्या होगा? ऑप्शन नंबर टू इंदौर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए अब आपसे पूछ सकते हेडक्वार्टर ऑफ आईसीएआर, ये हमने कई बार पढ़ा है, कहां पर है? दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। अगर आपसे पूछेंगे कि आईसीएआर सॉइल मैनेजमेंट किधर है, तो आपको क्या बताना है? देखते हैं होमवर्क नंबर वन, कहां पे ये हमने पढ़ा हुआ है? आईसीएआर सॉइल रिसर्च सेंटर कहां पर है? ठीक है, ये आपका पहला होमवर्क रहा है। देखते हैं कितने लोग करेक्ट देते हैं। अगले क्वेश्चन, अच्छा सब जवाब दे रहे हैं, ओके ओके ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने प्रतीक्षा कर रहे हैं सॉइल जोधपुर। जोधपुर में हमने क्या पढ़ा था? एरिड सॉइल। क्या पढ़ा था? एरिड सॉइल रिसर्च सेंटर था, एरिड सॉइल। देखते हैं ये वाला आंसर कितने लोग सही देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वेयर डज द सोरघम रिसर्च सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन राजस्थान। राजस्थान में सोरघम अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया है? जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। बताइए, सब कह रहे हैं सर उदयपुर होना चाहिए, यहां पे शिवा ने कहा है, राकेश कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल यहां पर प्रिया, 1929 में एस्टेब्लिश किया गया था आईसीआर को, बहुत बढ़िया, याद है सारी चीजें, ठीक है, उदयपुर 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 आ रहा है, बिल्कुल भैया यहां पे प्रिया परी, ठीक है, वैष्णवी, अंशु, ठीक है, यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री उदयपुर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर थ्री उदयपुर। अब यहां पे देखिए रीऑर्गेनाइजेशन डेट भी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईसीएआर, ये कब किया गया था? फटाफट से सभी लोग को बताना है, तो ये बताएंगे 1965 में, भूलना नहीं है, ठीक है, हाँ रिवाइज करते हुए चलेंगे सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, वेयर डिड द आईसीएमआरएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लोकेटेड। आईसीएमआर का राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? वारंगल, पुणे, नागपुर और अहमदाबाद। शिवा क्या बात है भाई, आज तो बिल्कुल सबसे पहले रिप्लाई कर रहे हो। माय एम ने भी कहा है भाई टक्कर हो रही है, दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते जा रहे हैं और टक्कर तो मानो छूट ही नहीं रही है। पुणे 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 सबका आ गया, सत्यम, दृष्टि, आकाश, बहुत बढ़िया, यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू पुणे। क्या होगा? पुणे। यहां पे आईसीएमआर का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाँ जी टू ऑप्शन करेक्ट है अजीत, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वेयर इन उत्तर प्रदेश इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च लोकेटेड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और रायबरेली। यहां पे सब कह रहे हैं सर, ठीक है, कार्तिक कह रहे हैं सर ए होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कानपुर। भाई इतनी तेजी से जा रहे हैं, नाम पता ही नहीं चल रहा है कौन जवाब दे रहा है। आकाश कह रहे हैं बी होगा, काजल ने कहा सर बी होना चाहिए, ठीक है, यहां पे सभी लोग बी कह रहे हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। कानपुर जो है वो पल्सेस रिसर्च लोकेटेड है। क्या? पल्स रिसर्च सेंटर, ये याद रखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। हाँ बहुत बढ़िया, शक्त, बलविंदर, पुष्पम, कृष्ण, कैप्टन मॉर्गन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश फटाफट से, जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यस योगी आप बिल्कुल करेक्ट हैं, सत्यम आप बिल्कुल सही हैं, रमाकांत, नीतू, दीपिका, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट। कृषि विज्ञानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है आगरा, झांसी, कानपुर और लखनऊ। देखते हैं किसका सही होता है। ठीक है, यहां पे लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी, मतलब झांसी के साथ जा रहे हैं। ओके ओके, झांसी 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 झांसी, बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा। अफसाना कह रहे सर लखनऊ में कंफ्यूजन है, यहां पे कंफ्यूज मत होइए अफसाना, ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया हुआ है, झांसी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे बात किसकी की जा रही है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री के लिए हमने झांसी पहले भी किया हुआ है, ठीक है।
हाँ वेरी गुड, बहुत से लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। अच्छा ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ इंडिया इन मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। भारत का अनुमानित क्षेत्रफल मिलियन वर्ग किलोमीटर में है, 2.78, 3.28, 4.35 और 3.6। यहां पे सौरभ कह रहे सर बी ऑप्शन, एम ने कहा सर 3.6। क्या बात है भाई, आप लोग वैल्यू भी याद कर लेते हो, क्या बात है। शिवा, आकाश, रौनक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैप्टन मॉर्गन बिल्कुल सही है। यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर टू होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर टू होगा, 3.28 किलोमीटर, हाँ मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ये याद रखेंगे, बिल्कुल सही है। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रसन्नजीत आप बिल्कुल करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, इंडियन यूट्यूबर क्या बात है, एक एक डिजिट लिख दिया है यहां पे। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द विंध्या रेंज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का विंध्य श्रेणी से उद्गम होता है, बेतवा, कावेरी, चेनाब और गोमती। हाँ यहाँ पे सौरभ ने कहा है सर ए ऑप्शन होना चाहिए, मतलब बेतवा का होता है विंध्या रेंज से। बाकी लोग अजय, अलोन, शिवा, फिरदोश, मनीष, अंशी, क्या बात है, क्या बात है, सबने आग लगा रखा है भाई, क्या खाकर आए हैं सब लोग, पक्का आज तो कुछ अलग ही खाया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बेतवा। क्या होगा? बेतवा। आपने देखा होगा एमपी में दो रेंज आपको मिलेंगी, कौन सी? एक मिलेगी सतपुड़ा और एक मिलेगी विंध्या रेंज, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो विंध्या रेंज से कौन सी निकलती है? बेतवा निकलती है। अब देखिए यहाँ पे कावेरी कहां से निकलती है भैया, फटाफट से बताएंगे कावेरी कहां से निकलती है, कितने लोगों को पता है? ठीक है फटाफट से बताएंगे कावेरी कहां से निकलती है। हाँ बेतवा रायसेन से, क्या बात है प्रिया, बिल्कुल सही है। हाँ नर्मदा, नर्मदा सतपुड़ा से, ओके अमरकंटक से निकलती है, हाँ ठीक है अमरकंटक से। हाँ यहां पे प्रसन्नजीत ने सबसे पहले जवाब दे दिया सर ब्रह्मगिरी ताल से होती है, तो बहुत बढ़िया, कावेरी जो है वो ब्रह्मगिरी ताल से, ठीक है ये याद रखेंगे कि ब्रह्मगिरी ताल से होते हुए निकलती है। चेनाब आपकी निकलती है बारालच्छा से, कहां से निकलती है? बारालच्छा से। गोमती निकलती है गोमत मुख से, ठीक है गोमत मुख आप कह सकते हैं इसको। और रावी नदी निकलती है आपकी कहां से? चंबा से। कहां से? चंबा से, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगला, हाँ बहुत बढ़िया गौमत मुख होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। प्रसन्नजीत कृष्णा नदी जो है वो आपकी निकलती है कहां से? महाबलेश्वर से। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच रिवर वॉज नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, गंगा, दामोदर, सरयू और महानदी। यहां पे एम ने कहा सर दामोदर होना चाहिए, प्रसन्नजीत कह रहे सर बी ऑप्शन, बलविंदर, कार्तिक, विजय भाई, एबी, कुमार, श्रुति, सत्यम, आरती, अरे वाह वाह वाह, यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, दामोदर। अब देखिए गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं, तो गंगा नदी देखिए देवप्रयाग पे फॉर्म होती है, कहां पर? देवप्रयाग पर, ये याद रखेंगे। इसका लेंथ पूछ लेते हैं तो 2525 किलोमीटर, ये इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, ये भी याद रखेंगे। इसको बंगाल, बांग्लादेश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पद्मा, क्या बोलते हैं? पद्मा नदी बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। देखिए ये तो सोरो ऑफ बंगाल हो गया, सोरो ऑफ बिहार पूछ लेता, सोरो ऑफ बिहार तो हम क्या बोलते, सोरो ऑफ बिहार पूछ लेता तो हम क्या बोलते, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। कोशी, 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 क्या बात है, किसको कोशी? तो यहाँ पे कोशी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? कोशी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए महानदी दिया है, तो महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, कहां से? छत्तीसगढ़ से निकलती है। इस पर सबसे बड़ा डैम है, कौन सा है? हीराकुड डैम, ये भी याद रखेंगे। कौन सा डैम है? हीराकुड डैम, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, कहां पर है? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, ठीक है याद रखना है दोस्तों। चलिए अच्छा अच्छा ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अ लगून इज अ सीरीज ऑफ आइलैंड दैट आर कनेक्टेड अंडर वाटर।
A shallow body of water separated from a larger body of water by some barrier of reefs. A narrow strip of water that connects two larger bodies of water. A large piece of ice floating in the ocean. यहाँ पे सानिया कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर टू होना चाहिए, मतलब अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर वाटर बॉडी ऑफ वाटर बाय सम बैरियर और रीफ। सभी के ऑप्शन नंबर बी 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 आ रहे हैं यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे तो मचा कर रख दिया है सभी लोगों ने, बी इज 100% करेक्ट। अब साना कह रहे हैं तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर टू, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर टू। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं अ सीरीज ऑफ आइलैंड दैट आर कनेक्टेड, मतलब बहुत सारे आइलैंड जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था ग्रुप ऑफ आइलैंड इज नोन एज आर्कियोपेलोगी, ठीक है, क्या आर्कियोपेलगो ये बोलते हैं, आर्कियोपेलगो ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर यहां बोल रहा है अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज, मतलब यहां पर एक वाटर बॉडी है, ठीक है, एक यहां पर वाटर बॉडी है, यहां पर क्या है ये पतली सी स्ट्रिप, इसको क्या कहते हैं स्ट्रेट कहते हैं, क्या कहते हैं स्ट्रेट कहते हैं, ये याद रखिएगा। फिर कहा गया है अ लार्ज पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द ओशियन, तो भैया इसको हम बोलते हैं आइसबर्ग, क्या बोलते हैं आइसबर्ग, ये भी याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, स्ट्रेट बोलते हैं, अरे स्ट्रेट वो सीधा वाला स्ट्रेट नहीं है मेरे दोस्त, हाँ जैसे पाक स्ट्रेट है, बिल्कुल सही, श्रीलंका और इंडिया के बीच में पाक स्ट्रेट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पलक्कड़ गैप कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, पलक्कड़ दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु। यहां पे सौरभ ने सबसे पहले रिप्लाई कर दिया सर डी होना चाहिए, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, रौनक कह रहे हैं सर डी में आग लगा दीजिए प्लीज, अफसाना कह रहे हैं सर डी होना चाहिए, बाकी लोग सानिया, प्रांजल, दृष्टि, राकेश, प्रवीण, बहुत बढ़िया, बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, क्या होगा ऑप्शन नंबर फोर, केरला एंड तमिलनाडु। देखिए यहां पर पलक्कड़ गैप का दूसरा नाम क्या है, देखते हैं कितने लोगों को याद है, सेकंड होमवर्क क्या है, सेकंड होमवर्क पलक्कड़ गैप का दूसरा नाम क्या है, देखते हैं कितने लोगों को याद है, इसको हमें कहां देना है, कमेंट बॉक्स में देना है जब ये क्लास खत्म हो जाएगी। प्रसन्नजीत ने रिप्लाई कर दिया है, जय महाकाल ने भी रिप्लाई कर दिया है, पर गाइस ये इसको कहां लिखेंगे हम, कमेंट बॉक्स में, सो दैट कि मुझे भी पता चले कि भाई इतने लोगों को आंसर पता है, ठीक है। एक बार फटाफट से देखिए, अभी हम 280 लाइव हैं लेकिन लाइक सिर्फ 138, क्यों इतनी कंजूसी क्यों दोस्त। हाँ जी दीपिका आप बिल्कुल करेक्ट हैं, छाया मौर्य आप बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर इज कॉल्ड, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है, वॉटर शेड, वॉटर डिवाइड, दोआब और तराई। यहां पे सब कह रहे हैं सब दोआब होना चाहिए, दोआब होना चाहिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। यहां पे करेक्ट आंसर दो होगा वो होगा दोआब, क्या होगा करेक्ट आंसर होगा दोआब। जैसे आपने देखा मान लीजिए कोई नदी आती है जुड़ती है, ठीक है, तो उसके बीच की ये जो लैंड होगी क्या लैंड होगी, यहां पर ये रिवर है, ठीक है, यहां पर ये रिवर है, तो यहां पर ये जो फर्टाइल लैंड बनेगा इसको हम क्या कहते हैं दोआब कहते हैं, क्या कहते हैं दोआब। मान लीजिए अगर रिवर अलग भी हो रही है, रिवर अलग भी हो रही है और उसके बीच में यहां पर क्या है अपनी जमीन है, फर्टाइल लैंड है, यहां पर रिवर है और यहां पर रिवर, तो इसको भी हम क्या कहेंगे दोआब ही कहेंगे, ये याद रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही स्टडी अब्बास, माई एम, प्रतीक्षा, अलोन, जाटनी, स्वीटी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, किस भारतीय राज्य को पांच नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सब ने लिख दिया भैया पंजाब पंजाब पंजाब, क्योंकि सर पंजाब खुद ही बोलता है कि सर मैं पंज हूं, मतलब पांच नदियों से हूं, ठीक है, तो पांच नदियों की वजह से उसका नाम पड़ गया था क्या पंजाब। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, पंजाब इज करेक्ट आंसर। अब देखिए इसको बनाया किसने पंजाब को, तो रंजीत सिंह जी ने, ठीक है, रंजीत सिंह जी ने, ये याद रखेंगे। और यहां पर ये जो पांच नदियां हैं वो कौन सी हैं, तो है ब्यास, रवि, चेनाब, सतलज
और एक नदी आप बताएंगे कौन सी नदी है। यहाँ पे पांच नदी होने चाहिए, यहाँ पर चार मेंशन है, ब्यास, रावी, चेनाब और सतलज, एक और कौन सी नदी होगी। हाँ वेरी गुड शिवा, बिल्कुल सही है आप। बलविंदर ने मेंशन कर दिया कि सर यहाँ पे झेलम होनी चाहिए। अब्बास बिल्कुल करेक्ट हैं आप, आदर्श वेरी गुड। यहाँ पे जो आखिरी नदी मतलब पांचवी नदी होगी वो झेलम होगी। देखिए कौन से स्टेट को कहा जाता है लैंड ऑफ सेवन आइलैंड, क्या लैंड ऑफ सेवन आइलैंड, देखते हैं कितने लोगों को याद है लैंड ऑफ सेवन आइलैंड किस राज्य को कहा जाता है। सौरभ बहुत बढ़िया, माइम बहुत बढ़िया, बिल्कुल यार इसी तरह से पढ़ेंगे। मुंबई को कहा जाता है, किसको, मुंबई को कहा जाता है लैंड ऑफ सेवन आइलैंड, इसी तरह से पढ़ाई करेंगे ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, वेयर इज द दोचेंग येदिंग एयरपोर्ट सिचुएटेड, दोचेंग येदिंग हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और तिब्बत। देखते हैं, हाँ मुंबई पुराना ठीक है, सौरभ ने कहा सर डी होना चाहिए, और नीतू कह रहे सर लाओस, आदर्श कह रहे सर फोर, कुछ लोग कह रहे लाओस और कुछ लोग कह रहे हैं सर तिब्बत। यहां पे कंफ्यूजन आ गया लोगों को दो ऑप्शन में, लाओस और तिब्बत में ठीक है। हाँ ये कैसा क्वेश्चन हो गया, कतई जहर क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन हो गया दोस्त, कतई जहर क्वेश्चन हो गया है ठीक है। हाँ यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये होगा तिब्बत। ये जो हमारा एयरपोर्ट है दाओचेंग एयरपोर्ट, ये वन ऑफ द हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट एयरपोर्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट एयरपोर्ट ठीक है, ये याद रखेंगे। तो दोस्त ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए मिलते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल करेक्ट देना है, और करेक्ट तभी दे पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मॉक लगाएंगे। और देखिए मैं तो पहले भी कह रहा हूं दोस्त कि मॉक तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बस आपको लगाने की देरी है, और टेस्ट बुक आपके लिए वैसे भी पास लेकर आया है 399 में, जहां पर आपको 450 से भी ज्यादा एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिलता है, और 34,000 से भी ज्यादा क्या लगाने का मौका मिलता है, मॉक लगाने का मौका मिलता है। वहां पर आपको सिर्फ कोड यूज कर लेना है, अगर आप पास बाय कर रहे हो तो वो कोड है GAMPASS, क्या है GAMPASS, जो कि मेरा कोड है, आपको वहां पर डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे बाय करना है एक बार वो देख लेते हैं, ये क्या हो गया, चलिए कोई नहीं, अभी हम लास्ट में इसको देख लेंगे किस तरह से, यहां पे थोड़ा सा हैंग हो गया है, कोई बात नहीं हम आगे देख लेंगे। अब प्रश्न देख लेते हैं, पहले यहां पर प्रश्न है, एज पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, भारत की 2011 की जनगणना में निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, टोडा, गोंड, भील और गारो। लोग कह रहे हैं सर गारो होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं भीर, भीर, भील, 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 ओके ओके मैं समझ गया, सबको पता है। यहां पर, यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट होगा, भील इज द करेक्ट आंसर ठीक है। गारो आपको कहां पर मिलेगी, मेघालय में सबसे ज्यादा मिलेगी, क्यों, क्योंकि वहां पर तो गारो हिल्स भी है, तो गारो हिल्स मतलब गारो ट्राइब्स पे ही नाम रख दिया गया। गोंड आपको सबसे ज्यादा कहां पर मिलेंगे, एमपी में मिलेंगे ठीक है, ये याद रखेंगे। भूतिया आपको कहां पर मिलेंगे, भाई भूतिया भूत है, मतलब एग्जाम्पल के लिए अपन ने कैसे याद किया था कि भैया भूत कहां मिलेंगे, जो पहाड़ी इलाका रहेगा, मतलब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहां पर मिलेंगे ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ेंगे, अफसाना वेरी गुड, हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं। सानिया, फ्यूचर टीचर, प्रतीक्षा, अगला क्वेश्चन ये रहा, नागभट्ट वॉज अ रूलर बिलोंगिंग टू विच किंगडम, नागभट्ट किस साम्राज्य का शासक था, चोल, प्रतिहारा, चालुक्य, पांड्या। हाँ वेरी गुड प्रिया, ठीक है यहां पे सौरभ कह रहे सर बी ऑप्शन होना चाहिए, मतलब प्रतिहारा होना चाहिए। ठाकुर, बलविंदर, खुशबू, विजय, निकिता, पूजा, सानिया, कार्तिक, मधु, ठीक है यहां पे सभी का आ रहा है। विनय, यहां पे करेक्ट आंसर होगा क्या, प्रतिहारा ठीक है, प्रतिहारा होगा यहां पे, नाग फर्स्ट जो थे, नागभट्ट फर्स्ट
ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इसकी फाउंडेशन रखी थी, और सबसे ज्यादा जो डेवलप किया था वो किस समय पे किया था, वो किया था नागभट्ट 2 के टाइम पर। किसके टाइम पर? नागभट्ट 2 के टाइम पर, ये भी याद रखेंगे। ये क्या हो गया भाई, ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, द टर्म डेमोक्रेसी वॉज फर्स्ट यूज, द टर्म डेमोक्रेसी वॉज फर्स्ट यूज बाय, लोकतंत्र शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था, अब्राहम लिंकन, सोक्रेट्स, हेरोडोटस और मिल्टन। फटाफट से सभी लोग रिप्लाई करेंगे। यहां पे लोग कह रहे सर अब्राहम लिंकन होना चाहिए, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन। यहां पे करेक्ट आंसर मेरे दोस्त जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, हेरोडोटस। क्या है? ऑप्शन नंबर 3, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने सबसे पहली बार क्या किया था, टर्म यूज किया था, ठीक है। ये याद रखेंगे कि टर्म डेमोक्रेसी किसने यूज की थी, हेरोडोटस ने, जिसे कहा जाता है फादर ऑफ, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टेक्निकल इश्यू की वजह से कुछ गड़बड़ हुई थी, हैंग हुआ था, अभी सही है, टेंशन मत लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन आर रिलेटेड टू द चालुक्या किंग पुलकेशिन टू, निम्नलिखित में से किस शिलालेख का संबंध चालुक्य शासक पुलकेशिन टू से है, नासिक, मास्की, हाथी गुफा और अहोल। सौरभ कह रहे हैं सर डी होना चाहिए, विक्की कह रहे हैं सर डी होना चाहिए, ओके सबके आ रहे हैं सर डी होना चाहिए, पूजा, श्वेता, अंकित, सौरभ, विनय, बहुत बढ़िया, पुष्पम। यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अहोल। अब अहोल किसने लिखी थी ये भी याद रखिएगा, रवि कीर्ति ने। किसने? रवि कीर्ति ने। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि भैया किन्होंने लिखी थी, तो रवि कीर्ति ने लिखी थी, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, Who among the following is not a राजपूत रूलर, निम्नलिखित में से कौन राजपूत शासक नहीं है, अनग, पाल, पृथ्वीराज चौहान, बहलोल लोधी और नन ऑफ द अबव। यहां पर लोगों का आंसर आ गया सर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, डी होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है भैया 100% डी बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्त देखिए अभी हम यहां पर 310 लाइव हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 186, इतनी कंजूसी, इसको फटाफट से बराबर कर लेते हैं, ठीक है। हां यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। भाई पृथ्वीराज चौहान तो राजपूत को बिलोंग करते थे, अनंग पाल भी राजपूत को बिलोंग करते थे, लेकिन बहलोल लोधी तो नहीं करते थे, ये कौन से थे, लोधी डायनेस्टी के थे, कहां पर, दिल्ली सल्तनत में राज किया था, ठीक है ये भी याद रखेंगे। लास्ट जो डायनेस्टी थी वो लोधी डायनेस्टी ही थी, और बहलोल लोधी क्या थे, फाउंडर थे किसके, लोधी डायनेस्टी के, ये भी याद रखना है। हाँ बिल्कुल सही, यहां पर मुगल शासक नहीं थे दोस्त, मुगल शासक नहीं, दिल्ली सल्तनत थे, ठीक है। मुगल शासक में तो आप भाजसा याद रखो, क्या याद रखो, भाजसा, जो अपन ने ट्रिक याद रखी थी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। हाँ चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इजरा सिस्टम इन मेडाइवल इंडिया इज नोन एज, मध्युनिक भारत के इजारा प्रणाली को किसके नाम से जाना जाता है, अ सिस्टम ऑफ सिलेक्टिंग मिलिट्री चीफ, सेना प्रमुख का चयन करने की एक प्रणाली, अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग, राजस्व खेती की एक प्रणाली, अ सिस्टम ऑफ सिलेक्टिंग विलेज हेडमैन, गांव के मुखिया के चयन की एक प्रणाली, और एन इरीगेशन ऑफ सिस्टम। यहां पे सभी कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बी होना चाहिए, देखते हैं भैया किसका करेक्ट है। यहां पे लोग सबके बी आ गए, तो यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग, क्या कहा जाता था, इजरा सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, इसको इजरा सिस्टम कहा जाता है,
ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ तो क्वेश्चन आपको बहुत टफ आएंगे, लेकिन आपके अधिकतर मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, और ज्योग्राफी, कल्चर, रिसर्च सेंटर, इस पे तो पूछा ही जाएगा। तभी मैं कह रहा हूं आपको मॉक लगाना बहुत जरूरी है। अब कैसे मॉक आपको लगाना है, कैसे बाय करना है, वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे, या फिर आप यूट्यूब पे जा सकते हो। यूट्यूब पे आप किसी भी वीडियो पे चले जाइए, जैसे एक ये वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है टीचर्स लिंक। टीचर लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे, वहां पर आपको एक न्यू पेज ओपन होगा, और आप देख सकते हो मंथली टेस्ट, ईयरली टेस्ट और लाइफ टाइम टेस्ट, 599, 399 और 299। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कूपन अप्लाई करेंगे। कूपन क्या था अपना, गेम पास, GAMPASS, क्या है, गेम पास, गेम खेलते हैं इसके साथ, और गेम खेलते ही क्या हो जाएगा, इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। जो 399 था वो 360, जो 499 था वो 540। कई लोग बोल रहे थे सर ICR के टेस्ट नहीं मिल रहे, तो भैया यहां पे सर्च करिए एक बार ICAR, और सर्च करेंगे तो आपके सामने डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको 96 टोटल टेस्ट मिल रहे हैं और 18 फ्री टेस्ट, दोस्त 18 फ्री टेस्ट। तो चलिए एक बार देखते हैं भैया इसमें दिया क्या है, एक बार ओपन करके देखते हैं। जैसे ही आप जाओगे तो यहां पर आपको देखिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप यहां पर डायरेक्टली टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ठीक है, यहां पर जाके। तो आप देख लीजिएगा, फटाफट से इसको बाय कर लेते हैं और तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे अपने PPT की तरफ, और फिर देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या था, इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन में, पेन सिलेक्ट कर लेता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विच मुगल एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू अकबराबाद, किस मुगल साम्राज्य ने अपनी राजधानी दिल्ली से अकबराबाद स्थानांतरित कर दी, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर और जहांगीर। चलिए फटाफट से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब कह रहे हैं सर अकबर होना चाहिए, अकबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अकबराबाद कर दिया गया है, इसलिए कह रहे हैं आप यहाँ पे अकबर करेक्ट। तो हाँ, यहाँ पे विक्की ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड विक्की वीर, बिल्कुल सही है आप। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, क्या होगा ऑप्शन नंबर टू, औरंगजेब, इन्होंने कैपिटल चेंज की थी दिल्ली से अकबराबाद। अकबर ने तो पहले क्या किया था, आगरा किया, बाद में क्या कर दिया था, फतेहपुर सिकरी, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था, इनकी सेकंड कैपिटल जो थी वो फतेहपुर सिकरी थी, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, डैश फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी, डैश ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, बिपिन चंद्रपाल, सुभाष चंद्र बोस, कृष्णा जी गोपाल कारवे, भीमराव अंबेडकर। वेरी गुड विक्की, एम प्रसन्नजीत, क्या बात है, विक्की भी लीड ले रहे हैं अब, मोनिका बहुत बढ़िया। ओ भाई क्या कर रहे हैं, सबके सब ऐसे फटाफट आंसर दोगे तो पता ही कैसे चलेगा, मधु, गणेश, चलिए। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि यहां पर सबके सब रिप्लाई कर रहे हैं और जिस जोश से कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर, भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म हमने पहले भी देखा था, कहां पर हुआ है, महू में, जो कि MP में है। इनको क्या कहा जाता था, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहा जाता था, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद रखिएगा। इनके और क्या कहा जाता है कि भैया इन्होंने क्या किए थी, बहुत हेल्प की थी, और चेयरमैन किसके थे, ये ड्राफ्टिंग कमिटी की, किसके, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे, ये भी याद रखेंगे। पूना पैक्ट जो साइन हुआ था, पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी के बीच में और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में 1932 में हुआ था, ये भी याद रखना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सभी लोग, विक्की, वॉरियर, पूजा, श्वेता, एम। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, पोर्टफोलियो सिस्टम इंप्लीमेंटेड बाय होम, पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, लॉर्ड मायो, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग और वेलेसली। हाँ बहुत बढ़िया प्रिया, बलविंदर, वेरी गुड। मायो कह रहे हैं यहां पर, मायो कैसे होंगे बलविंदर, कुछ लोग कह रहे हैं सर कैनिंग होंगे, भैया कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया, कैसा क्वेश्चन हो गया, राकेश कह रहे थ्री, कंफ्यूज हो गए मेरे दोस्त, यहां पे सांप से बचना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे
हाँ यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा, बहुत से लोगों ने करेक्ट भी दिया है, विलियम बेंटिक नहीं होंगे, लॉर्ड कैनिंग होंगे, ये याद रखिएगा। हाँ चलिए, और देखिए लॉर्ड वेलेस्ली हमने पहले भी पढ़ा था कि इनके समय में तो सब्सिडरी अलायंस आई थी, क्या आई थी, सब्सिडरी अलायंस, ये भी याद रखेंगे ठीक है। मायो को क्या किया गया था, एसेसिनेट कर दिया गया था, क्या कर दिया गया था, एसेसिनेट मतलब मार दिया गया था, और हमने याद कैसे किया था, मारो 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 मायो 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 मतलब मारो मायो को, ठीक है ऐसे याद किया था हमने, राइम निकल रहा था मारो और मायो, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मौलाना अबुल कलाम आजाद वॉज ऑनर्ड विद द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न इन विच ईयर। मौलाना अबुल कलाम आजाद को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 1958, 70, 81 और 92। देखते हैं कितने लोगों को पता है। यहां पे सर कह रहे हैं सर 81 होगा, सौरभ कह रहे हैं सर 92 होगा। अच्छा एक सौरभ कह रहे हैं सर 81, एक कह रहे हैं सौरभ 92, दो सौरभ आ गए हमारे पास, ठीक है भाई हमारी टीम में सौरभ ही सौरभ आ रहे हैं। बब्बन भी हैं, बब्बन कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, मतलब 92 होना चाहिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, बिल्कुल गुड भाई, बब्बन जी ने तो मचा दिया। विकी आप सही हैं, प्रतीक्षा कोई बात नहीं। देखिए जहां पर आपको लगता है कि डाउटफुल है, आपको नहीं पता है, यहां पर आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि यहां पर अभी तो फिलहाल के लिए निगेटिव मार्क नहीं है, क्योंकि गलती करेंगे तो सीख लेंगे, लेकिन एग्जाम में मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि वहां पर आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, और 0.25 में मैंने बहुत से दोस्तों को देखा है कि वो बोलते हैं सर 0.25 से नहीं हुआ है, ठीक है तो इसको नहीं करेंगे निगेटिव। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा अंकिता बहुत बढ़िया, अगर आप इस तरह से तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली सिलेक्शन होना है। आगे बढ़ते हैं, हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला कानून मंत्री था, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कृष्णमाचार्य। सबने बोला सर ऑप्शन नंबर सी, कोई गलत नहीं बोलेगा, जो बोलेगा। तो यहां पे देखिए 328 लोग हम लोग लाइव हैं, 328 लोगों को पार्टी देगा, सोच लीजिए भैया ये बड़ा नंबर है, इतने लोगों को पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ यहां पे करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, क्या होंगे ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये याद रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम हमारे कौन से थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये याद रखना है हमें, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, सभी ने सही दिया है, शुभ्रा, प्रतीक्षा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। What is the minimum age or required to become the Prime Minister of India? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 35, 30, 25 और 40। यहां पे सब कह रहे हैं सर 25, 25, 25, मतलब ठीक है भाई, यहां पे करेक्ट आंसर होगा 25। क्यों, क्योंकि लोकसभा में भैया जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, लेकिन यहां पर 25 उम्र चाहिए होती है, तो भैया 25 होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम भी अगली बार खड़े होते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, ठीक है। ओके निकिता आपका भी सही है, बहुत बढ़िया, स्वीटी सभी का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लेकिन एक बार फटाफट से क्या करेंगे सभी लोग, लाइक करेंगे अगर मजा आ रहा है, क्योंकि मजा आएगा तभी तो पढ़ाई होगी, मोटिवेशन मुझे भी आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नेवर द लोकसभा स्पीकर, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष कभी नहीं था, मीरा कुमार, बलराम झाकर, चंद्रशेखर और जीएमसी बालयोगी। नई नई प्रतीक्षा, यहां पर हम आपके साथ ही अच्छे हैं, आप जैसे दोस्त लोग मिले हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, उसमें मजा आता है, प्राइम मिनिस्टर कहां पे बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सी आ रहा है, जैद इंडियन यूट्यूबर कह रहे हैं सर, बी होगा, बी नहीं होगा यहां पे, इंडियन यूट्यूबर, यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर। देखिए मीरा कुमार तो क्या हुई थी, फर्स्ट फीमेल, ठीक है, फर्स्ट फीमेल जो लोकसभा स्पीकर बनी, ये याद रखेंगे। बलराम झाकर लॉन्गेस्ट टर्म के लिए बने, क्या लॉन्गेस्ट टर्म के लिए बलराम झाकर बने थे लोकसभा स्पीकर। जीएमसी बालयोगी भी स्पीकर थे लेकिन चंद्रशेखर जी नहीं थे, ठीक है, ये याद रखेंगे। और अगर पहले लोकसभा स्पीकर पूछ लेगा तो आपको याद रखना है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, भूलना नहीं है नाम। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ, राज्य वित्त आयोग एक है लीगल बॉडी, नॉन स्टेचुरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नन ऑफ द अबव। यहां पे लोग सी सी ऑप्शन दे रहे हैं कि सर यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, डी भी कह रहे हैं कुछ लोग, ओके okay, यहां पे लेकिन दोस्त यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि स्टेट फाइनेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और देखिए फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में मेंशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और हमने पढ़ा भी है कि सर आर्टिकल किसमें है, 280 में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, द स्टेट ऑफ नागालैंड वॉज फॉर्म्ड इन, नागालैंड राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ, 1978, 1963, 68 और 70। प्रसन्नजीत ने सबसे पहले रिप्लाई किया है सर 63 होना चाहिए, बी भी ऑप्शन लोग कह रहे हैं, गौतम बी कह रहे हैं, धनपत बी कह रहे हैं, अजहर, विक्की, वैष्णवी, खदीरी, कीर्ति, बहुत बढ़िया, सूरज। यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू, क्या होगा ऑप्शन नंबर टू, 1963 में नागालैंड स्टेट फॉर्म हुआ था। ये कौन से नंबर का स्टेट फॉर्म हुआ था उस टाइम पे, बताइए, ऑप्शन है आपके 16, 17, 18 और या 14, बताइए इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। हां 1963, ठीक है, कुछ लोग कह रहे सर 16, कुछ लोग 17, तो भैया ये तो होमवर्क हो गया, कौन सा होमवर्क हो गया, तीसरा होमवर्क, थर्ड होमवर्क, आपको करेक्ट बताना है कि कौन से नंबर का राज्य था, कंफ्यूजन है लोगों को 16 और 17 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन एक बार फटाक से वही गुजारिश आपसे कि फटाफट से सभी लोग लाइक करेंगे तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। सौरभ कह रहे हैं 16 को सर हथौड़ी मारिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, Which architectural building is considered India's first marble monument? किस वास्तुशिल्प इमारत को भारत का पहला संगमरमर स्मारक माना जाता है? सांची स्तूपा, जामा मस्जिद, होशंग शाह तोम और ताजमहल। कुछ लोग कह रहे हैं यहां पे ताजमहल होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर सी ऑप्शन होशंग शाह होगा, सौरभ ने कहा है सर सी होना चाहिए, बहुत से लोग सी 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 कह रहे हैं, ओके ताजमहल, दोस्त मेरे वहां पर कई लोग ताजमहल कह रहे हैं तो ताजमहल करेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ताजमहल भैया मार्बल वहां पर तो भैया बाद में यूज हुआ, पहले कहां पे हुआ, होशंग शाह तोम में, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे, वर्षा मौर्य गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, ओके गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ओके चलिए कोई नहीं आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, वेयर इज द कामाख्या देवी टेम्पल लोकेटेड, कामाख्या देवी मंदिर कहां स्थित है, बिहार, आसाम, महाराष्ट्र और झारखंड। यहां पर लोगों का आ रहा है सर आसाम, 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 ठीक है, सुमंता, शशि, मधु, दीपिका, स्ट्रगलर, बहुत बढ़िया। यहां पर करेक्ट आंसर मेरे दोस्त होगा ऑप्शन नंबर टू, आसाम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था। और आपका मीनाक्षी टेम्पल कहां पर है, मीनाक्षी टेम्पल फटाफट से सभी लोग मेंशन करेंगे, मीनाक्षी टेम्पल कहां पर है। आपको महाराष्ट्र में क्या मिलेगा, महाबलेश्वर टेम्पल मिलेगा, कौन सा, महाबलेश्वर, त्रिंबकेश्वर, ठीक है, यहां पर शिरडी, ये याद रखेंगे। सबने लिख दिया सर तमिलनाडु, 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 ओके ठीक है भैया तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इन इंडिया मेवाड़ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट, भारत में मेवाड़ उत्सव कहां मनाया जाता है, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर। हाँ महाबलेश्वर, ठीक है जोधपुर, विक्की क्या बात है, गौतम ने भी कहा सर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए जोधपुर, कुछ लोग कह रहे हैं सर जैसलमेर, ऑप्शन नंबर टू, टू, टू,
ठीक है भैया, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो उदयपुर होगा, ना तो जैसलमेर होगा ना ही जोधपुर होगा, क्योंकि मेवाड़ फेस्टिवल की बात की जा रही है तो वो कहां पर होता है, उदयपुर में होता है, ठीक है, ना ही ऑप्शन नंबर वन ना ही ऑप्शन नंबर टू सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ आरबीआई, आरबीआई की मुद्रिका नीति समिति के अध्यक्ष कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर और रिजर्व बैंक डिप्यूटी गवर्नर ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स। गवर्नर कहा है सौरभ ने, विक्की ने, करण ने, करण कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ए ऑप्शन। 3-3 आ रहा है सबका, पूजा, कुंदन, स्ट्रगलर, सूरज, बहुत बढ़िया। यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रिजर्व बैंक गवर्नर, ठीक है। देखिए आरबीआई को कब फॉर्म किया गया, फटाक से बोलेंगे, 1935 में। कब नेशनलाइज किया गया, 1949 में। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है, ठीक है। अभी इसके हेड कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है, शक्तिकांत दास, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, 1935 में मुंबई में हेडक्वार्टर है, 1949 में नेशनलाइज किया गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन गाइस यहां पर देखिए हम 272 लाइक पर हैं, देखते हैं ये 300 पहुंचता है कि नहीं, ठीक है। प्रतीक्षा कह रहे सर डाटा खत्म हो गया, कोई बात नहीं प्रतीक्षा, यहां पर बहुत अच्छे से युद्ध की है, अभी बाकी योद्धा टिके हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेपो रेट्स, रेपो दर के आप क्या समझते हैं, रेट एट विच वन बैंक टेक्स लोन फ्रॉम अनदर बैंक, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट रेट, टाइम लाइबिलिटीज डिपॉजिट रेट, रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। सौरभ ने कहा है सर डी होना चाहिए, डी होना चाहिए। विक्की कह रहे हैं ओके, स्ट्रगलर कह रहे हैं सर फोर्थ ऑप्शन, क्या बात है, सभी लोगों ने लगता है आरबीआई से लोन तो लिया ही है। हाँ यहां पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, भाई वो रेट जिस पर वो उधार देता है दूसरे बैंक को, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मिक्स्ड इकोनॉमी मींस, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, प्रमोटिंग बोथ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर और को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड पुअर। यहां पर सब कह रहे हैं सर सी होना चाहिए, पब्लिक एंड, बहुत बढ़िया भैया, क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब जब मिक्स्ड इकोनॉमी होगी तो ऑप्शन नंबर अगर आप यहां पर देखो थर्ड में, तो ये क्या कह रहा है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिक्स कर रहा है, को एग्जिस्टेंस, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ इंडियन इकोनॉमी यही है, मिक्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, डिवेल्यूएशन मीन्स, अवमूल्यन का मतलब क्या है, रिडक्शन इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, फॉल इन द वैल्यूएशन ऑफ द एसेंशियल इन एन इकोनॉमी, डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट और इंक्रीज इन द करेंसी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। विकी कह रहे हैं सर ए होना चाहिए, रिडक्शन इन द एक्सटर्नल वैल्यूज ऑफ करेंसी, बाकी लोग क्या कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट। यहां पे प्रिया ठीक है, ओके, ज्योति कह रहे ए ऑप्शन, यहां पे करेक्ट आंसर ए होगा, क्योंकि रिडक्शन इन द एक्सटर्नल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन मतलब अमूल्यन हो गया, मतलब घट गई, तो क्या होगा, रिडक्शन इन द एक्सटर्नल वैल्यूज ऑफ करेंसी, ठीक है, हाँ ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, Who has been appointed, भैया करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए, Who has been appointed as the chairperson of National Highway Authority of India, NHAI in December 2021, December 2021 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, रेणु शर्मा, अलका उपाध्याय, उपमा श्रीवास्तव और वीनू गुप्ता। सब कह रहे सर अलका उपाध्याय, एसके, बबन, ऋतु, सौरभ, एम, शिवा, स्ट्रगलर, बहुत बढ़िया, अलोन जाटनी। यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अलका उपाध्याय, बढ़िया भैया, करंट अफेयर तो अप टू डेट कर रखा है लोगों ने, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे, भैया वर्ल्ड सॉइल डे इंपॉर्टेंट फॉर अस 2021 का, विश्व मृदा दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है, स्टॉप सॉइल इरोजन, सेव अवर फ्यूचर,
हार्ट सॉइल सेलिनाइजेशन एनहेंस सॉइल प्रोडक्शन कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी बी द सॉल्यूशन टू द सॉइल पॉल्यूशन। हार्ट हार्ट बलविंदर कह रहे हैं, लर्नर कह रहे हैं, जयंती कह रहे हैं, अंशी, सौरभ, कीर्ति, क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी सभी को याद है। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ट सेलिनाइजेशन एनहेंस सॉइल प्रोडक्शन। ठीक है, ये याद रखना है। यहां पर देखिए दोस्त, अपन 293 लाइक पर आ चुके हैं, 300 से 7 लाइक्स दूर। कोई बात नहीं, देखेंगे होता है या नहीं, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, Who has been awarded the 2020-21 रामानुज प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, युवा गणितज्ञों के लिए 2021 रामानुज पुरस्कार के किसे सम्मानित किया गया है? नीतू सिन्हा, मनीषा सिंह, नीना गुप्ता और रीना अग्रवाल। ओए होए होए, क्या बात है दोस्तों, आप लोगों ने तो मतलब ट्रिपल सेंचुरी लगा ही दी, क्या बात है, मानना पड़ेगा। और यहां पर सभी कह रहा है सर नीता होगा, नीना होगा, नीना, नीना, नीतू कुछ लोग कह रहे हैं, तो यहां पे नीना और नीतू में कंफ्यूजन हो रहा है, देखते हैं क्या करेक्ट आंसर होगा। ओके, नीना 100%, छाया मौर्य ने कहा है, तो यहां पे भैया नीना बिल्कुल करेक्ट है। जब 100% करेक्ट बोल दिया इंसान ने, मतलब वो प्रैक्टिस कर रहा है, मॉक लगा रहा है, डेली क्लासेस अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड एम, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच डे सेलिब्रेटेड एज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर, 31 अक्टूबर, 14 दिसंबर और 24 अक्टूबर। सौरभ, एम, प्रांजल, ठीक है, ओके, अंशी, प्रसन्न जी 24 नहीं होगा यहां पे, यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा 14। बहुत से लोगों के ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 14th दिसंबर। अब आपसे देखिए ये पूछेंगे फार्मर्स डे क्यों पूछेंगे, भैया एग्रीकल्चरल से है तो चांसेस बनते हैं, तो फार्मर्स डे आपको बताना है कब होता है। ये बता देता हूं कि वो दिसंबर के मंथ में होता है, लेकिन आपको डेट बतानी है। यहाँ पे लर्नर ने रिप्लाई कर दिया सर 23 दिसंबर, प्रसन्नजीत ने, विक्की ने, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भैया 23rd दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, Who has won the best actor award in male category in the 6th BRICS Film Festival 2021? छठवें BRICS Film महोत्सव 2021 में पुरुष श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? लुसिया मुराद, धनुष, लारा बल्दोरनी, यान हान। यहां पे लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 2, धनुष, विक्की कह रहे हैं, चांदनी, चंदू, अब्बास, सुदीप, रिम्पा, बहुत बढ़िया। यहां पे करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्या है, ऑप्शन नंबर 2, धनुष, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, इनको मिला है। हां चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, ओ हो 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 हो, यहां पर होता है समय समाप्त, जहां पर हमने किए मॉक टेस्ट 20, बहुत ही उम्दा तरीके से सभी यहां पर योद्धाओं ने पार्टिसिपेट किया, शुरू से अंत तक लगे रहे, इसी तरह से हम मॉक और लगाते रहेंगे। सबसे पहले पीडीएफ के लिए देख लेते हैं, बहुत से लोग पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे, तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। सर्च क्या करना है आपको, सिर्फ जाके सर्च करना है आपको, सिर्फ आपको जाके सर्च करना है गौरव मौर्य सर टेस्ट बुक। क्या सर्च करेंगे, गौरव मौर्य सर टेस्ट बुक, वहां पर आपको एक ग्रुप मिल जाएगा जो कि पब्लिक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ जो होती है, ठीक है, वो पॉकेट डॉक्यूमेंट फाइल पीडीएफ वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, किसी को और भी कोई क्वेरी है तो वहां पर वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहां पर अपनों का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, और क्या करना है, तैयारी करना है। कल फिर इसी एनर्जी के साथ आएंगे एक नए मौके के साथ, और क्या करेंगे, फिर से युद्ध करेंगे। तो कल जुड़ना मत भूलिएगा, दोपहर 2 बजे, दोपहर की दम पर। तब तक आपका दोस्त आपसे अलविदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।